रेवाड़ी में आईजी के निर्देश पर ही सही। आखिर नगर परिषद अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद टूट ही गई और परिषद की टीम ने बाजारों में पहुंचकर जमकर डंडा घुमाया। आपको बता दें कि जैसे ही टीम बाजारों में पहुंची तो दुकानदारों व सड़कों के बीचों बीच रेड़ी लगाकर खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग तो अपना सामान और रेड़ी बीच सड़क में छोड़कर भाग पड़े, लेकिन अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी और अवैध रूप से रखा सामान जब्त कर खुलकर दुकानदारों व रेड़ी वालों पर चालान काटे। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कई कई फुट चौड़े बाजार में किस कदर दुकानदारों व रेड़ी वालों का कब्जा है, लेकिन अतिक्रमण हटने के बाद बाजारों की तस्वीर ही बदल गई और बाजारों से गुजरने वाले वाहन चालकों व आम लोगों ने राहत की सांस ली। इसे लेकर परिषद अधिकारियों ने दुकानदारों को साफ तौर पर चेतावनी दी कि बाजारों में अतिक्रमण किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और परिषद का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। क्या कहेंगे इस पर? अतिक्रमण साहब बार बार कर लेते हैं, हमारी कोशिश है कि सड़कें जो अतिक्रमण से मुक्त हो। बुजुर्ग वर्ग आदमियों को, महिलाओं को, बच्चों को बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इससे एक्सीडेंट का भी है। ऊपर से सरकार के भी आदेश है कि भी सड़क पे और फुटपाथ पे कोई रैली वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। कहाँ कार्रवाई की गई आज? आज रेलवे रोड से शुरू करके और आप जो पूरे बाजार की कार्रवाई, स्पेशल आज ही चलाया गया है या आगे भी जारी रहेगा? आगे भी जारी रहेगा। एक्चुअली समय भाव का रहता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। इलेक्शन का कार्य भी चल रहा है, अभी कास्ट सेंसर भी था, इस वजह से हम कार्य में बिजी थे, लेकिन लगातार हम इसको हर हफ्ते प्रोसेस करते रहे। नगर परिषद के सामने ही अवैध कब्जे हो रहे हैं, उनको भी हटवाया जाएगा? हाँ, सबको हटवाएंगे। सुना है कि आईजी साहब के निर्देश पर आज की कार्रवाई की गई है? हाँ, आईजी साहब के पास भी कंप्लेंट थी, हमारे पास भी कंप्लेंट।